छान के आटा ले लिया है गेहूँ का, और इसमें काला नमक मिलाएंगे टेस्ट से। इसमें नमक का फ्लेवर हार्ड नहीं रखना है, बहुत ही धीमा फ्लेवर रखना है, सॉफ्ट रखना है फ्लेवर को। और पहले थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी आटा में जितना पता चलता है टेस्ट करने पर, तो जब ये डो बन जाता है और उसके बाद जब पूरी बनता है, तो अभी आटा से ज़्यादा डो में हार्ड लगता है ना, और डो से ज़्यादा पूरी बनने पर इसका टेस्ट हार्ड हो जाता है। तो इसी हिसाब से ध्यान रखते हुए अंदाज यहाँ पे काला नमक यूज़ करेंगे। यहाँ नॉर्मल नमक यूज़ करने पे फ्लेवर नहीं आता अच्छे से इस मसाला पूरी में, तो यहाँ पे काला नमक ही लेना है। काला नमक में दरदरा वाला भी आता है, तो यहाँ काला नमक में पाउडर वाला ही काला नमक मार्केट से परचेज करना है। अब इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद यहीं पर टेस्ट कर लेना है हल्का सा आटा लेके, और यहाँ पे बीच में हल्का सा गड्ढा करेंगे, और यहाँ पे घी या रिफाइंड का ही मोयन लगाएंगे। सरसों तेल का नहीं लगाना है, और जिस भी तेल में हार्ड फ्लेवर है उसका नहीं लगाना है। तो ये हाथ से दो आंचूर इसमें लगाए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले एक बार। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से टाइम लेके इसको मिक्स करना है, हड़बड़ाना नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी तेल नहीं डाला है तो उससे भी अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। तो इसका एक ही उपाय है कि यहाँ पे मोयन को पहले थोड़ा सा डाल के मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसको चेक करने का तरीका भी बताएंगे हम। ऊपर नीचे करके चारों ओर करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब जब ये इस तरह से हो गया है सारा, इसका गांठ भी खोली है, तो इस तरह से लेके देखेंगे, ये देखिए खुल रहा है। तो अभी इसमें एक बार और ले लेंगे दो। तो यहाँ पे चार ग्लास बड़ा ग्लास है, चार ग्लास आटा लिए थे, उसमें चार आंचू तेल लेंगे, फिर दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब देखेंगे, तो ये देखिए अब जब मुट्ठी खोले तो ये टूट नहीं रहा है इस तरह गिराने से भी, और पहले मुट्ठी खोलते ही वो सारा बिखर गया था। तो बस ये मेरा परफेक्ट है, और यहाँ कलर भी डार्क नहीं आना है, लाइट बहुत धीमा सा लाइट गोल्डन आएगा तेल के कारण, बस उतना ही रखना है। डार्क गोल्डन आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसमें मोयन पड़ गया है, तो उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता है। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही यहाँ पे मसाला में यहाँ पे अजवाइन लेंगे, और इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसको मैश कर लेंगे, और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से यहाँ मिक्स होने के बाद अब इसको धीरे धीरे पानी डाल के, एक ही बार पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डाल के इसको समेटना है, और फिर जरूरत पड़ेगा तो पानी बढ़ाना है। यहाँ पे आटा के डो से हार्ड ये डो लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, और इसको रेंच पे नहीं रखेंगे, इसीलिए इसको स्मूथ होने तक इसको नीट करते रहना है, और तुरंत ही इसको नीट करेंगे, और तुरंत ही इसका पूरी बन के बनाना शुरू कर लेंगे। रेंच पे इस आटा को नहीं रखना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी। पानी यहाँ रूम टेम्परेचर वाला ही लेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे। और मोयन की तरह ही आटा को लगाते हुए फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए सबको समेट के इसका डो रेडी कर लेंगे। तो ये मेरा गुथते हुए आटा यहाँ मेरा तैयार हो गया है। ये रोटी के आटा से हल्का सा हार्ड है, और इतना भी हार्ड नहीं रखना है, ताकि ज़्यादा हार्ड रहेगा तो पूरी का बेलेंगे और साइड से फटाफट निकलेगा। तो ये दो बात ध्यान रखना है, इसके अलावा रेस्ट पे नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर फ्राई करने पे तेल लॉक हो जाता है, काफ़ी तेल ये अब्जॉर्ब कर लेता है, भले ही उसको हाई फ्लेम पे क्यों ना तला जाए। साथ ही यहाँ पे पानी का मिनिमम यूज़ करेंगे, जितना यहाँ पे लगेगा, क्योंकि पानी का अमाउंट और रेस्ट पे रहने के कारण तेल में ये ज़्यादा अब्जॉर्ब करने लगता है पूरी। तो ये दो बात ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे तुरंत मेरा डो रेडी हुआ है, तुरंत यहाँ पे हम पेड़ा सारा का निकाल लेंगे जितना बड़ा साइज़ रखना हो, और इसका पूरी बेल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारा पेड़ा एक ही बार बना के रेडी कर लिए हैं, और इसको पहले अगर अकेले रहें तो पहले प्लेट में सारे को बेल के रख लेंगे और कपड़ा से ढक के, और नहीं तो अगर दो आदमी से रहे तो एक आदमी बेले और तुरंत छाने, तो उसमें एकदम अच्छा से गारंटेड सारा फूल के बनता है। तो इस तरह से रखेंगे, हाँ बहुत बुरा है।
इधर कढ़ाई गर्म होने रख देंगे और इसमें तेल डालेंगे, तेल या रिफाइंड घी जो भी मैं छानना हो। अगर मीठा के साथ खा रहे हो तो रिफाइंड में या घी में ही छानिएगा। तो इस तरह से तेल में डाल के कर रहे हैं तो इससे इसका तेल खराब नहीं होता है। बर्तन की जगह पे तेल लगा रहे हैं और इसे बना के रखते हैं। ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसके ऊपर ड्राई लेयर आ जाता है तो ये अच्छे से फूलता नहीं है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। और तेल को हाई फ्लेम पे रख के पूरी छानना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इस तरह से जब धुआं आने लगेगा तब यहाँ पे पूरे को साइड से डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे। और ये अपने घर सबके सेंटर में चला जाता है और डाल के इस तरह से बीच में छोटा सा दबाएंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। तो ऐसे में हर एक पूरी बिना सोडा का भी फुला फुला बनता है और फ्लेम हाई रखना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो ये मिनिमम तेल को एब्जॉर्ब करते हुए बना है और बिल्कुल ऐसे में तेल एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो देखिए इसी तरह से सारा पूरी